चैत्र नवरात्रि 2020, दुर्गा अष्टमी कब है, रामनवमी कब है, कन्या पूजन कब करें, हवन और घट का विसर्जन कब करें तथा व्रत का पारणा कब करें, सभी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कैसे आपको पूजन अर्चन करना चाहिए तथा नवरात्रि का समापन किस प्रकार करना चाहिए। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष करके पूरे वर्ष में दो बार बड़ी नवरात्रि आती है, जिन्हें प्रगट नवरात्रि कहा जाता है। पहली नवरात्रि होती है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, और इसके बाद जो दूसरी नवरात्रि आएगी वो होगी आश्विन माह यानी कुवार माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक। दोनों नवरात्रि में बड़ी ही श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ में माँ जगदम्बा का आवाहन स्थापन पूजन किया जाता है और बड़े धूमधाम से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ कल्याणकारी है और समस्त संसार को सुख देने वाली है। नवरात्रि में दुर्गाष्टमी व महानवमी का पूजन का बड़ा महत्व है। अष्टमी के दिन कुल देवी का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है तथा दुर्गा नवमी के दिन नवरात्रि का समापन किया जाता है। अष्टमी तथा नवमी दोनों ही कल्याणप्रद है। अष्टमी नवमी की शुभ बेला में श्रद्धालु भक्तजनों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, यानी 9 दिन तक जो आप व्रत करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उनके फल की प्राप्ति का दिन अष्टमी नवमी माना गया है। माँ दुर्गा की अष्टमी नवमी के दिन पूजा पाठ करने से सद्गृहस्थ जीवन में अनेक शुभ लक्षणों को प्राप्त करता है। धन, ऐश्वर्य, पत्नी, पुत्र, पौत्र, स्वास्थ्य और अंतिम लक्ष्य मोक्ष की भी सहज रूप से प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, इस संसार में यदि कोई भी बीमारी हो, महामारी हो, बाढ़ हो, सूखा हो, प्राकृतिक उपद्रव हो या शत्रुओं से घिरे हो, किसी राज्य, देश व संपूर्ण विश्व के लिए माँ भगवती की आराधना परम कल्याणकारी बताई गई है। माँ जगदम्बा की आराधना पूजा में नियम व संयम तथा ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है। पूजा के समय घर व देवालय को तोरण व विविध प्रकार के मांगलिक पत्र पुष्पों से सजाना चाहिए तथा समस्त देवी देवताओं का विशेष पूजन करके और हवन करना चाहिए। भविष्य पुराण के उत्तर पूर्व में महानवमी व दुर्गाष्टमी पूजन के विषय में भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद मिलता है, जिसमें नवमी व दुर्गाष्टमी पूजन का स्पष्ट उल्लेख है। यह पूजन प्रत्येक युगों अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग तथा कल्पों व मनवंतरों आदि में भी प्रचलित था। माँ भगवती संपूर्ण जगत में परम शक्ति अनंता, सर्वव्यापिनी, भावगम्या, आद्या आदि नाम से विख्यात है, जिन्हें माया, कात्यायनी, काली, दुर्गा, चामुंडा, सर्वमंगला, शंकर प्रिया, जगत जननी, जगदम्बा, भवानी आदि अनेक रूपों में देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी तथा नवमी को इनका पूजन करते हैं। माँ जगदम्बा का, भगवती का पूजन अष्टमी व नवमी को करने से सारे कष्ट व दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा यह दोनों तिथियां परम कल्याणकारी है, पवित्र सुख को देने वाली है, धर्म की वृद्धि करने वाली है। और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में सबसे पहले अष्टमी का पूजन अर्चन करना चाहिए। अष्टमी जो कि इस बार 1 अप्रैल 2020 बुधवार के दिन है, इसे दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी या अशोका अष्टमी के रूप में माना जाता है। अष्टमी के दिन माँ जगदम्बा का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। यदि आपके यहाँ परंपरा के अनुसार कुल देवी का पूजन होता है तो वो भी अष्टमी को ही करना चाहिए। इस बार दुर्गा अष्टमी 1 अप्रैल 2020 बुधवार के दिन है और बुधवार को अष्टमी पूजन का जो मुहूर्त रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, उसके बाद 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, उसके बाद सायंकाल का जो मुहूर्त होगा वो शाम 3 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक रहेगा।
उसके बाद जो रात्रि का मुहूर्त होगा वो होगा 7:30 बजे से लेकर के रात्रि 10:30 बजे तक। इन शुभ मुहूर्तों में आप माँ जगदम्बा की जो आपने स्थापना की है उनका पूजन करके, और यदि आपके यहाँ हवन की परंपरा है तो हवन करके, अन्यथा कंडे के ऊपर धूप लगा करके यानी नैवेद्यम का भोग अग्नि के ऊपर लगा करके कन्या भोजन आदि कर्म करके अष्टमी का पूजन करना चाहिए। यदि आपके यहाँ विधिवत पूर्ण तरीके से माँ भगवती का यानी कुल देवी का विशेष पूजन अर्चन होता है तो उस तरीके से आप अवश्य करिएगा। यदि नहीं है कोई परंपरा इस प्रकार की तो आप माँ जगदम्बा का पूजन अर्चन करके उन्हें भोग लगावें, और उसके बाद कन्या पूजन के निमित्त या कन्या भोजन के निमित्त भोग लगा करके दान पुण्य करना चाहिए। और इस बार वैसे स्थिति ऐसी बन रही है कि पूरे भारत में और अन्य देशों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में पूजन करना या कन्या भोजन करवाना थोड़ा सा जो है कठिन कार्य हो जाएगा। लेकिन आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति, यानी आपत्तिकाल में किसी भी प्रकार की मर्यादा का पालन नहीं किया जाता है, इसलिए आप अपनी श्रद्धा भक्ति और समय के अनुसार पूजन अर्चन करके माँ दुर्गा का अष्टमी के दिन पूजन अर्चन करें। और उसके बाद यदि आप माता कुलदेवी का पूजन करके अपना व्रत खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। और इसके पश्चात नवमी का पूजन किया जाता है, नवमी के दिन भी दुर्गा नवमी का पूजन होता है, और इसके साथ ही इस दिन भगवान श्री राम का प्रागट्योत्सव मनाया जाएगा, यानी श्री राम नवमी महापर्व मनाया जाएगा। तो रामचरित मानस में बताया गया है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि थी, मधुमास यानी चैत्र माह का शुक्ल पक्ष था, और ठीक दोपहर के 12 बजे यानी अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का अयोध्या में प्रागट्य हुआ था। तो इस दिन को श्री राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम का धूमधाम से सभी जन्मोत्सव प्रागट्योत्सव अवतरण दिवस मनाते हैं। तो इस दिन माँ दुर्गा का पूजन अर्चन भी किया जाता है। इसके अलावा इस दिन भी आप पूजन अर्चन करके कन्या भोजन करवावें तथा जवारे का विसर्जन करें। नवमी के दिन भी व्रत खोलने की परंपरा हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है। यदि आप चाहें तो नवमी के दिन भी माँ का पूजन अर्चन करने के बाद हवन करें और कन्या भोजन करवावे और उसके बाद अपने व्रत का समापन आप कर सकते हैं। क्योंकि इस बार पूरे भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो गई है, इस कारण कन्या भोजन या विसर्जन की स्थिति नहीं बन पाएगी, इसलिए आप कन्या भोजन के निमित्त कुछ भी माँ को भोग लगा दे, माँ कन्या भोजन के रूप में स्वयं स्वीकार कर लेगी। तथा विसर्जन यदि आप बाहर करने जाते हैं तो आप अपने घर के गमले में, क्यारी में या अन्य जल के स्थान में घर में ही विसर्जन कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि इस प्रकार की महामारी फैली हुई है और इस आपातकाल में यदि आप जैसा कर्म करेंगे, समय के अनुसार जैसा विधान कर लेंगे, माँ जगदम्बा उसको स्वीकार अवश्य ही करेगी। यदि आप इस विषय में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम आपको उत्तर अवश्य ही प्रदान करेंगे। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।